हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ये पोको एक्स थ्री प्रो है तो कैसे आप अपने फ़ोन में अलार्म रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेटिंग पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ठीक राइट साइड में अलार्म का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आप नेट ओपन करके रखते हैं तो आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन, ऑनलाइन भी अलार्म रिंगटोन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक राइट साइड में आपको एक घंटी का आइकन देखने को मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा से अलार्म पर क्लिक कर लेते हैं। घंटी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो है इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक राइट साइड वाले बटन पर क्लिक, घंटी पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। तो आप इसी तरह से अलार्म रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में कोई भी रिंगटोन है आपको वो सेट करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और रिंगटोन पर क्लिक कर देना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी म्यूजिक है या फाइल में है, रिकॉर्डिंग में, आपको देख लेना है। उसके बाद उस म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद बैक चले जाना है। जो भी कंपनी की तरफ से रिंगटोन देखने को मिलती है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई सेट करना है तो आपको सीधा अप्लाई पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप इसी तरह से अलार्म रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।